आप सबसे जनरल नॉलेज की बातें करना चाहता हूँ। आपको पता है बच्चा जब पैदा होता है तो क्यों रोता है? पता है कि सिर्फ पैदा करने आते हैं। बच्चा होता है भगवान का रूप। जब वो पैदा होता है उसको पता होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। आप देख लो, बचपन जो होता है बड़ों की डांट खाते खाते निकल जाता है, उसके बाद के 20 साल अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के चक्कर में निकल जाते हैं, उसके बाद के 20 साल अपनी बीवी को खुश कर रखने के चक्कर में निकल जाते हैं, और उसके बाद वाले 20 साल वो यही सोचता रहता है दुख में कि यार मैंने पिछले 60 सालों में किया क्या। तो तकरीबन जिंदगी ऐसे निकल जाती है। हर बंदे की लाइफ में चेंज कब आता है? शादी के बाद। शादी चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज, जिसकी भी होती है वो यही सोचता है कि अब मैं एक नई दुनिया बसाऊंगा। इस चक्कर में वो नई दुनिया बसाने में लग जाता है। कभी कभी तो ये भी होता है कि जो पहली दुनिया है उसको चलना भी नहीं आया होता, दूसरी दुनिया हाथ में ली होती है। मतलब और हमारा देश ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें 1 साल के बच्चे को लगता है कि वो बड़ा हो गया, क्योंकि उसको पता उसके पीछे उसका छोटा भाई भी आ गया 1 महीने का, और 2 साल के बच्चे को लगता है वो बुजुर्ग हो गया क्योंकि उसके पीछे 2 छोटे छोटे भाई बहन भी हैं। तो दुनिया जो है वो बसती रहती है, बढ़ती रहती है। फॉरेन के लोगों की लाइफ इतनी ईजी क्यों है? क्योंकि उनको हमारे जैसी टेंशन नहीं कोई भी। आप देख लो, बड़ी बहन की शादी करने की उनको कोई चिंता नहीं, जिसके साथ निकल गई वही जीजा। जीजा छोड़ो, कभी आपने फॉर्म के आदमी को ये टेंशन लेके घूमते हुए देखा कि छोटे साले को नौकरी पे लगवाना? नहीं, क्योंकि छोटे साले का पता ही कोई नहीं कहां पे लगा हुआ है, नौकरी पे लगवाए ना लगाए। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया हमारी जिंदगी कई साल ना जो बेकार बातों में निकल जाते हैं? कभी कभी सर्दी होती ना, आदमी के पास टॉपिक नहीं होता कोई बात करने का, तो क्या बातें करेगा? अजीब सी बातें करेंगे। ये सर्दी बड़ी है इस साल, तो सर्दी ने हद कर दी, अब इसको कौन समझाए भाई? पिछले साल भी उतनी थी, पर तेरी नई नई शादी हुई थी, तुझे पता नहीं चला, तो हमारा क्या कसूर? तो अच्छा, गर्मियां आ जाएंगी तब भी यही टॉपिक, भाई गर्मी बड़ी है यार पिछले साल, मतलब इस हद तोड़ दी, मतलब गर्मी ने, मतलब ये दिल करता उतार के फेंक दू इसको। वही टॉपिक। अच्छा, पड़ोसियों ने बाहर स्कूटर खड़ा किया ना पेड़ के नीचे, वहां पे जाके बैठ के स्कूटर की सीट पे बैठ, ओह इतनी जल रही है यार, मतलब इतनी जलन तो मुझे तब भी नहीं हुई थी जब पड़ोसी ने नया स्कूटर लिया था, इतनी गर्मी हो रही थी। अच्छा, हिंदुस्तान में हम लोग फालतू कामों में बड़ा टाइम वेस्ट करते हैं। आप कभी नोटिस करना, किसी घर में बीमार दादा पर दादा पड़े ना बेचारे बहुत बुरी हालत में, उसको बीमार छोड़ के ना बाहर गली में कोई रेत का ट्रक आया उसको पीछे कराने में लगे, आंधे आंधे आंधे। ट्रक को करा रहा है आंधे आंधे, अंदर दादा बोल रहा है कमबख्त तुम्हारे, मैं कब से कर रहा हूं, मेरे को जान दे जान नहीं दे रहा। फालतू की चीजें। अच्छा, हमारा अपने घर से ज्यादा ना पड़ोसी के घर पे ज्यादा ध्यान होता है। अगर पड़ोसी ने अपनी कार बेच दी ना तो बातें करते हैं, धंधा करना आता है, मेरे को पता था कार बिकेगी, एक दिन देखो अभी सोफे बिकेंगे इनके देखना। अच्छा, अगले दिन वही पड़ोसी नई कार ले आना, 2 नंबर का काम है भाई साहब। एक दिन में कार आती नहीं, तो बिजली चली जाए आती नहीं, एक दिन में कार कैसे, 2 नंबर का काम है भाई साहब, चलते हैं। अच्छा, टाइम पास करने के चक्कर में ना फालतू के सवाल बड़े पूछेंगे। आप देख लो फालतू के सवाल कैसे पूछते हैं। अच्छी बड़ी बारात जा रही ना, और आदमी स्कूटर रोके पूछे, भाई साहब बारात जा रही है? दूल्हे का फूफा पी के बैठा, तो नहीं नहीं बरात नहीं जा रही है, सिकंदर ने पुरुष पे हमला किया था ना, हाँ तो उसी का बदला लेने जा रहे हैं, चलोगे? अच्छा, कोई बंदा साफ दिख रहा है सड़क पे लेके जा रहे हैं 4 लोग, तो पास पड़ते मर गया। जो लेके जा रहा था, नहीं नहीं झूला लेने का बड़ा शौक है, झूला दिलाने जा रहे हैं। अजीब जी बात। अच्छा, आदमी शादी का कार्ड लेके आया, उसके हाथ में दे रहा साथ में डिब्बा भी, कार्ड हाथ में पकड़ के बने, अच्छा तो किस दिन की रखी शादी? आदमी कहता 50 रुपए कार्ड पे खर्चा किया, खोलो पढ़ो मरो इसको, इससे पता चल जाएगा सब। अच्छा, बिजी रहने के बड़े नए नए तरीके ढूंढते हैं ये लोग। कई बार ऐसा करते हैं ना लोग, अपना परफ्यूम लगा के ना गली में निकलते हैं, अपने आप को सूंघते जाते हैं। वो चेक कर रहे होते हैं कि परफ्यूम ज्यादा स्ट्रांग है कि मेरी पर्सनल स्मेल जो इतनी स्ट्रांग है। टाइम पास। अच्छा, आप सब लोग भी अपना अपना टाइम पास किसी ना किसी तरीके करते होंगे, जैसे आज यहाँ पे कॉमेंट्स में बैठ के आप कर रहे हैं। आप में से कोई भाई मेरा ऐसी कोई बात शेयर करना चाहेगा? अच्छा, आइए जी सर। हेलो कपिल सर। हाय अमित हेयर। क्या? मैं कल्याण से हूँ। कपिल हेयर जी, जैसे आप बोल रहे थे टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं, मैं जो हूँ यहाँ वहाँ कॉल लगा के रहता हूँ, रॉन्ग नंबर मिलाते रहता हूँ। अच्छा, तो वो आप ही हैं? क्या करते हैं फोन करके? किसी को भी रैंडमली कोई भी कॉल लग गया अगर, तो क्या बातें करते हैं? जैसे कि आधी रात को किसी को कॉल किया, 3 बजे किया, तो उसको बोलूंगा टाइम कितना हुआ है, और बोलेगा 3, बोला अभी तक जाग रहा है, सोया क्यों नहीं?
और आजकल जो है कस्टमर केयर वाले बहुत तंग करते हैं नॉर्मली लोगों को, हाँ। तो उन्हें भी तंग करता हूँ मैं कॉल करके, बहुत परेशान करता हूँ। कैसे मतलब? मैं जैसे मेरे को आप कॉल करो, मान लो मैं फोन किया रात को 2 बजे उठा हुआ। हेलो, रात को 3 बजे तक जाग रहे होते हैं आप? कभी कभी, कभी कभी, अभी टाइम पास। तो मान लो आदमी 3 बजे सोया हुआ, पी के सोया हुआ। हाँ हेलो 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 हाँ कौन? पूजा है? कौन? पूजा? तेरे को काम नहीं कोई दूजा रात को 3 बजे? पूजा तो फिर क्या बोलते आप? बोलिए। हेलो हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अपने घर से। अरे वाह, सेम हेयर, मैं भी अपने घर से। आप फोन करिए मेरे को, मैं लड़की बनता हूँ। लड़की ने फोन उठाया, रात को 2 बजे हैं। हेलो हेलो, पूजा है? या पूजा बोल रही हूँ। हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है रात को 2 बजे? मस्त मस्त एकदम। तू बता क्या कर रही है? सोच रही हूँ तेरे डैडी को फोन करूँ। रात को 2 बजे फोन करके मैं इसके पूछ रहे मैं क्या कर रही हूँ। डैडी में क्या काम है जब मैंने खुद कॉल किया है तो? अच्छा, तेरे डैडी में जो बात है तेरे में है ही नहीं। तो आप ऐसे टाइम पास करते लोगों को फोन कर करके? हाँ जी। कभी किसी पुलिस वाले का नंबर नहीं लगा गलती से? अभी तक तो नहीं लगा। अभी तक नहीं लगा? नहीं। चलो किस दिन लग गया ना तो ये बात किसी को बताएंगे भी नहीं आप। मैं टाइम पास करता हूँ लोगों से फोन करके। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जो? जी सर, क्या नाम है आपका? सदेव जी। सो मैं लिखता हूँ। ओके। रैपर हूँ। अच्छा। तो मैं वैसे, मेरा ड्रीम था कि आप गाना गाए और मैं बीच में रैप करूँ। कैसे, कौन सा गाना गाऊँ? जो भी, बीच में मैं रैप करूँगा। हेलो, ऊपर ही आ जाओ आप, ऊपर ही आ जाओ। अरे मेरे भाई, थैंक यू देव, थैंक यू सो मच। बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस था आपका। थैंक्स थैंक्स लॉट ब्रदर। अच्छा पाजी, हर एक का अपना अपना तरीका होता है टाइम पास करने का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लड़के हैं इनसे बातचीत करके पता चलता है कि लड़कों का बेस्ट टाइम पास तब होता है जब इनके साथ इनकी कंपनी में कोई अच्छी सी ब्यूटीफुल सी लड़की हो। You know, excuse me. जी? आप मुझे बता सकते हैं कि मुकुंदीलाल कॉलेज किस तरफ है? जिस तरफ भी है उसको उस तरफ रहने दो, आपको क्या लेना देना है? मुकुंदीलाल, जिस कॉलेज का नाम ही मुकुंदीलाल है वहाँ पे करने क्या जाना है आपने? अरे मुझे वहाँ पर एडमिशन लेना है और मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ से कोई शॉर्टकट जाता है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। शॉर्टकट? मैडम शॉर्टकट, आपका शॉर्टकट तो मुझे प्रॉपर नजर आ रहा है। जी। मुझे लगता है मुझे अपना कॉलेज खुद ही ढूंढना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। अरे आप इतनी नन्ही सी जान, इतनी बड़ी दुनिया कहाँ ढूंढती फिरेंगी आप? आप एक काम क्यों नहीं करती, आप 3-4 दिन इधर रुक जाइए, आराम से ढूंढ लेंगे कॉलेज। जब कॉलेज आपको ढूंढता हुआ अपने आप आ जाएगा। मैं 3-4 दिन किसी अजनबी के घर पे क्यों रुकूंगी? एक मिनट की बात सुनो, 3-4 दिन जब आप यहाँ पे रुक गई तो अजनबी कैसे हो गए? देखिए मैडम, जिधर आप जा रही हो उस तरफ बड़े बदमाश लड़के रहते हैं। What? हाँ? वो क्या क्या करते हैं आपको पता नहीं? ऐसे कर लेते हो, ऐसे कर लेते हो, बड़े बदमाश लड़के हो। अरे अगर नहीं, अगर वो लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे ना तो मैं जोर से चिल्ला दूंगी। आप चिल्लाओगे तो वो फिर ऐसे करेंगे, आपको पता नहीं है बड़े बदमाश लड़के। अरे मैं वैसे मुझे पहले से कॉलेज जाने में देर हो रही है, आज एडमिशन का लास्ट डे और ऊपर से तुम मुझे परेशान कर रहे हो, पता नहीं क्या। एक मिनट बात सुनिए मेरी, रुको मैं कुछ करता हूँ, आप घबराए ना। आज लास्ट दिन है, मेरे को ऐप का फोन यूज कर सकता हूँ मैं? MAUCI मौसी। हेलो। हाँ मौसी, पाय लगो। कैसा है छोटा, कैसा है मौसा, कैसा है? दारू पीता अभी भी क्या? हाँ अच्छा, और तेरी तबीयत कैसी है? कुछ चाहिए भाई होगा तो मेरे को बोलना मत। हाँ अब मेरे को तो खुद चाहिए रहता है कुछ ना कुछ। चल ठीक है, अब मैं आऊँगा ना दिल्ली तो आप, मैं पक्का आऊँगा। अच्छा ओके मासी, चलो ओके। किसी के फोन से बात कर पाए? ये लीजिए मैडम। अरे मुझे लगा आप मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपने तो अपनी मौसी को फोन कर दिया। मतलब आपके चक्कर में मौसी को भूल जाऊँ मैं? आप तो मतलब अभी मेरी गर्लफ्रेंड बनी भी नहीं, इतनी पोजेसिव हो गई हैं आप। देखिए आप पहले तो
खुद ही बढ़ चढ़कर मेरे लिए फिकर कर रहे हैं, तो मुझे लगा ऑब्वियसली मेरी हेल्प कर रहे होंगे ना। देखिए, एक जवान नागरिक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है मैं आपकी हेल्प करूं। आप एक काम करें, आप एक दो घंटे तो रुक जाएं, मैं आपको खुद कॉलेज छोड़ के आऊंगा। दो घंटे में मेरा कॉलेज ओवर हो जाएगा। कॉलेज कैसे ओवर हो जाएगा? दो घंटे में कॉलेज है कि इंग्लिश मूवी है? दो घंटे में ओवर हो जाएगी, ऐसे कैसे होता है? कैसी बातें करती हूँ? व्हाट इज दिस पुष्पा? ए, आई एम नॉट पुष्पा, आई एम पूजा। पूजा? ओ, आई एम कपिल। नाम तो सुना होगा आपने। नहीं सुना? नहीं सुना। दूसरे चैनल वालों की प्रॉब्लम यही है, देखते सब है लेकिन मानते नहीं है। देखिए प्लीज, दो घंटे आप रुक जाइए, दो घंटे यूं निकल जाएंगे आपके। यूं कैसे निकल जाएंगे? यूं? आप पॉपकॉर्न बेचते हैं? पॉपकॉर्न मॉमकॉर्न छोड़िए ना, लड़के को देखिए, आप पॉपकॉर्न मॉमकॉर्न में क्या रखा है? क्यों 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 देखूं मैं आपको जब मुझे ऑलरेडी देर हो रही है? मैं आपको सजेशन दे सकता हूं ना, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप कौन कौन से सब्जेक्ट ले रही हैं वैसे कॉलेज में? आप मुझे बताइए कि आपकी कौन से सब्जेक्ट में मास्टरी है? मेरी मास्टरी पूछ रहे हैं आप? अरे आपको अभी तक मेरी बातों से पता चला मेरी केमिस्ट्री कितनी अच्छी है? केमिस्ट्री? मैं दरअसल बायोलॉजी लेने का सोच रही हूं। बायोलॉजी की सब्जेक्ट? अरे मैडम, सब्जेक्ट होते हैं आर्ट्स, हिस्ट्री, मोहब्बत, ये होते हैं सब्जेक्ट। मोहब्बत? ये बड़ा कौन सा सब्जेक्ट हुआ? अरे पूरी हिस्ट्री तो मोहब्बत में टिकी हुई हो रहा है क्या हिस्ट्री में? अब बताओ मेरे को। जहां तक मुझे पता है पूरी हिस्ट्री झगड़ों से भरी पड़ी है। तो झगड़े किसके लिए हुए? लड़कियों के लिए, मोहब्बत के लिए हुए, और ठुल्लू के लिए थोड़ी ना झगड़े हुए। आप बात को समझे। देखिए, आप अगर थोड़ी सी मेरे से मोहब्बत कर ले तो ऐसे मैं आप बदमाश लड़कों से आपको बजा सकता हूँ, लड़ भी सकता हूँ आपके लिए। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो, हाँ बेटा। ओले 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 ओले, मेरा बच्चा मुझे मिस कर रहा है। देखो बेटा, मम्मी कॉलेज जा रही है ना। हाँ बेटा, बस मम्मी शाम को फटाफट आ जाएगी। ओले ओले, मेरा बच्चा। ओले 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 ओले। अच्छा, मेरी मम्मी आ जाएगी। अच्छा ठीक है, चलो बाय बाय टाटा। आपका बेबी मतलब? हाँ, वो मेरा 3 साल का बेटा है। एक्चुअली पहली बार इतनी देर मुझसे दूर रहा है ना, तो मुझे मिस कर रहा है। यू चीटर। बेबी बेबी जिनके होते हैं वो कॉलेज जाती हैं लड़कियां। आपसे किसने कह दिया कि माँ बनने के बाद लड़कियां कॉलेज नहीं जा सकती? अरे माँ बनो, शौक से बनो, लेकिन पता तो चले माँ बनी हो। व्हाट इज दिस? खबरदार आगे से ऐसी हरकत की तो कोई बंदा आता है बोलता है कि देखिए मेरा 3 साल का बेटा, मुझे मुकुंदीलाल कॉलेज जाना, बताइए कितना पता है? तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। ऐसे क्यों को पूछता क्या? यू हर्ट मी। अब जाइए, यहाँ आपका मुकुंदीलाल कॉलेज। टाइम पास करने का कोई महंगा पड़ता है, लेकिन पाजी आज हाँ, मैं आप सब लोगों का ऐसा टाइम पास कराने वाला हूं, बिकॉज आज हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए दो ऐसी शख्सियतें आ रही हैं, ये जिस फिल्म को टच करते हैं, जिस गाने को टच करते हैं, वो गाना सुपर डुपर हिट हो जाता है। सो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द सुप्रीमली टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर विशाल शेखर। शेखर साहब, विशाल जी, जी सर, बड़े म्यूजिक वाले लोग आए, लेकिन जो समा आपने बांधा ना सर, सर हम बड़े किसी ने नहीं टाइप सर, रू से गाया, दिल से गाया, ठोक के गाया। बेसिकली आपको अपने गाए हुए ज्यादा जो, जैसे ये है कि जैसे मैंने आप जिक्र कर रहा था कि हाथ मिले बिना ही छुटके, वैसे टाइप गाने अच्छे लगते हैं कि आपको ये लगता है कि आप यार मैं ये आइटम नंबर्स जो हैं वो मैं दिल से ज्यादा बनाता हूँ, हालांकि आपको दोनों ही तरह के गाने करने पड़ते हैं। हम लोग ऐसी केटरिंग एजेंसी है कि हम लोग कोई भी खाना बोल दो आप, चाइनीज चाहिए, मुगलाई चाहिए। तो अभी क्या हो गया है कि वी आर यूज्ड टू कि आप आओगे, आपको सैड गाना चाहिए, हम आपको सैड। मतलब कई बार चाइनीज को साग मक्की की रोटी के साथ मिक्स भी कर देते हो? वो करते हैं पाजी, वो करते हैं टेस्ट टेस्ट के हिसाब से, वो करते हैं और लोगों को बहुत पसंद आती है। तो थैंक यू सो मच। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। हम लोग विशाल शेखर से और ढेर सारी बातें करेंगे। पाजी आप प्लीज यहां पे विराजमान हो जाइए। आखिर आ गया टाइम, आइए सर। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए। जी सर। आप यंग हैं, बड़ी एनर्जी के साथ परफॉर्म करते हैं आप, आपको एक्टिंग के ऑफर्स भी तो आते होंगे? मुझे आते हैं ऑफर्स, लेकिन एक्टिंग ये करता है। तो आप इंटरेस्ट रखते हैं वैसे एक्टिंग में? इंटरेस्ट एक्चुअली आया, देखा उसी टाइम अंदर का सलमान जाग पड़ा। जी हाँ, इंटरेस्ट तो एक्चुअली सोचा नहीं है मैंने, लेकिन अगर ऑफर आ जाए तो उन्होंने सही कहा
बड़ा सा ऑफर मुझे आता है, एक्टिंग के लिए चले जाते हैं। कपिल के साथ फिल्म करने का मौका मिला तो मैं जरूर करूंगा। अरे वाह, क्या बात। अगर मेरी हीरोइन दीपिका पादुकोण हो तो और भी अच्छा रहेगा। मैं कहां पे हूं? नमाज मस्तान का असिस्टेंट। आप विलन हो सर। हाय हाय। अरे आपके घर में इतने अच्छे विलन है, मुझे क्यों बना रहे? मैं आपसे ना कुछ बातें पूछना चाहूंगा छोटी छोटी, जो आपके सारे फैंस आपसे जानना चाहते हैं। फटाफट आपको जवाब देने हैं। आप दोनों में से सबसे ज्यादा फीमेल फैंस के फोन किसको ज्यादा आते हैं? ये तो यार ये पूछने वाली बात है क्या? मुझे थोड़ा इमेजिनेटिव, आप ऑडियंस में पूछ लो, ऑडियंस पोल ले लो। स्कैम। मुझे मुझे एक्चुअली कपिल सुनाई दे रहा है। कपिल सबसे ज्यादा तो कपिल के फैन फॉलोइंग्स है। ओके चलिए इट्स ओके। तो यार दोस्त है, एक दूसरे को एक दूसरे पे डाल देते हैं, अच्छी बात है। तो कपिल आपकी फैन फॉलोइंग बहुत बहुत कमाल की है। कौन लड़कियां पागल है आपके पीछे? क्या कहा आपने? देखा अंदर का सलमान जाग गया। देखा मींस सडनली आप यहां थे और यहां ऐसे आ गए। जी हां जी हां। समटाइम्स इट हैपेंस एक्चुअली। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। अच्छा मैंने भी ऐसे किया करना भाजी कभी-कभी। नहीं पर ठीक बात है, जब तू चलता है ना तो पीछे पीछे म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी चलती है, जो बेहोश होगी अंदर टेक देते हो। अमेजिंग। अरे जब सो के उठते हैं आप तो दोनों में से खूबसूरत कौन लगता है ज्यादा? मैंने एक्चुअली मैंने अपने आप को देखा है आईने में और बहुत खतरनाक दिखता हूँ। मेरे घर में आईने अलाउड ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि विशाल जो है वो उठ के ज्यादा खूबसूरत लगते होंगे, क्योंकि इनके कौन सा बाल बिखरने हैं। वो अभी पाजी हम लोग शूट के लिए आ रहे थे तो वो बोले कि आपके लिए हेयर स्टाइलिस्ट बैठे रेडी, आप दोनों के लिए। मैं थोड़ा सोच में आ गया, मैं विशाल क्या करेगा उसके साथ? क्यों भाई मेरे हाथ नहीं देखे, छाती वाती सब हो गया स्टाइल का। ये किसे ले आई? ये कान में से मैल निकालता है बेटा, इससे दिखता नहीं है इसके हाथ में तबला तो तमंची हुआ ना क्या? अरे मेरे विशाल शेखर। मैं ठीक हूँ दादी। अरे कैसा है मेरा शेकू? इसके लिए आया था कॉमेडी नाइट्स पे। ये दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तेरे मुंह पे नहीं छपेगा। इस पर मैं आऊंगी। और यहाँ तो देखो आज कारपेट एरिया कितना है। मेरा विशाल, मेरे शेकू। ए दादी क्या शेकू शेकू कर रही है? एक बार दुबई के जाके आ गई, शेख दिमाग से निकल नहीं रहे इसके। अरे तुझे पता नहीं है जब 10 शेकों का मिल्क शेक निकालते ना तब जाके एक ऐसा स्मार्ट शेकर बनता है, है कि नहीं? पहली बार आई एम शिवरिंग। इज टू मच, इज टू मच। बट एक बात है सिद्धू जी, हाँ जी, दोनों टैलेंटेड लौंडे। सच्ची में क्या म्यूजिक देते हैं, हाय 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 हाय। फिल्म में हिट हो ना, इनके म्यूजिक सुपर डुपर हिट हो जाती है। वो तुम दोनों एक कुछ और बजाया था, वो कौन सा गाना था? साकी मुझे टांकी टाकी नजर आ रही है। दादी दादी रे दादी दादी आपस न जाए कोई ख्वाही। दादी साकी साकी के बाद उन्होंने 500 और हिट गाने दिए, वो तेरा ध्यान नहीं गया, तेरा दारू पे जाके अड़ती है तू। एक्सक्यूज मी, किससे बात कर रहे हो तुम? जब दो लेवल के बात करते ना तो बीच में तबलची मंजीरा वाले बात नहीं करते। बैड मैनर्स। मतलब तू भी म्यूजिक राइटर समझ रही है अपने आप को। हाँ। वो भी इनके लेवल की। तू कब से इनके लेवल की हो गई? आज सुबह से। एक्चुअली आप दोनों को गुड न्यूज देना चाहती हूँ कि आज सुबह ही मैंने अपने आप को एज अ म्यूजिक डायरेक्टर लॉन्च किया है। तालियां बजाइए मेरे लिए। चलो। ए मेरी बात सुन, ये म्यूजिक डायरेक्शन है, ये अंडे ब्रेड की दुकान है कि सुबह उठे और खोल ली? अरे एक तबले वाला साथ में लेके तू अपने आप को म्यूजिक डायरेक्टर बोल रही है? माफ करना, कोई मामूली तबले वाला नहीं है वो, हाथ से तबला बजाता है और मुंह से गिटार। क्या बात है। जैक, कम ऑन जैक, शो योर टैलेंट। ओके जैक, क्रैक।
शुरू होने से पहले फ्लॉप है। क्या बात है? चुप कर, ये तो शुरुआत है, शुरुआत। तो ये हाल है, लोग तालियां बजा रहे हैं। दो चार म्यूजिक सुपर डुपर हिट हो गए ना, उसके बाद इसके पीछे तो पूरा ऑर्केस्ट्रा चिपका डालूंगी मैं। एक्चुअली क्या है ना, आज सुबह ही ना मुझे एक प्रोड्यूसर ने फिल्म के लिए साइन किया है, तो प्लीज मेरे लिए गाना बनवा दो। ओके, तो अब गाना शुरू करें। कुछ माहौल सा जमाइए, माहौल की बातें होना जरूरी है। इसको देख के सिद्धू जी, मुझे पहले ही पता था ये मेरे टाइप का है। रुक, अभी माहौल बनाती हूँ। दादी दारू के अंदर रखती रखती चखना भी सलवार में चखना। शर्म नहीं आती तेरे को? हमारे मेहमानों में ये सब चीजें देती है। किसी ने तो खुद ने कहा माहौल बना, तो मैंने माहौल बना दिया। अरे माहौल मतलब गीत संगीत का माहौल, उन्होंने बोला था वैसा संगीत का माहौल, वैसा वैसे भी करते। एक मिनट, मैं भी आई कोई माँ क्या क्या कराते हैं सुपर में। दादी खाना बना रही है कि गाना बना रही है? नहीं नहीं, माहौल बन गया, माहौल बन गया, बहुत अच्छा माहौल है। शेखर तुम हीरोइन बन जाओ। ये दाढ़ी वाली हीरोइन पहली बार देखी है मैंने। ऐसे छुपा देना दाढ़ी ना दिखे। दाढ़ी वाली हीरोइन। पाजी पता नहीं था कि म्यूजिक डायरेक्टर बनने से ये भी करना पड़ेगा। ठीक है, तुम हीरोइन, तुम हीरो, जाहिर सी बात है हीरो गाना गाएगा। मैं हीरो किस एंगल से देखता हूँ? तुम मैं मौका दे रही हूँ, बन जा या लॉन्चिंग ही हो। पहला वाला सिचुएशन, ओके, हीरो हीरोइन को देखता है, हाँ, उसके बाद दोनों में रोमांस, म्यूजिक। नहीं नहीं, हीरो थकता नहीं है, हीरो थकता नहीं है। हीरो यार ये एंड जितना सिचुएशन, लास्ट सिचुएशन, और एक मुझसे कोई सिचुएशन नहीं हुआ। अब लड़की ने जो है उसने फैसला कर लिया है कि लड़के को बता देगी कि उसकी शादी तय हो गई है। अब लड़के का दिल टूटेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दादी मैंने हीरो चेंज कर दिया। हो गया दादी? हो गया, हो गया। ओके, मेरे प्रोड्यूसर साहब, आपको मेरा गाना कैसे लगा? ये प्रोड्यूसर है? हाँ हाँ, बेटू यही मेरा प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर, हाउ डिड यू लाइक माय म्यूजिक? म्यूजिक व्यूजिक की बात बाद में। हाँ, अब एक चीज फाइनल, मेरे फिल्म के हीरो हीरोइन यही हैं। ओके ओके, मेरा म्यूजिक बर्बाद हुआ। अब हीरो हीरोइन ले रहेंगे तो म्यूजिक भी यही बनाएंगे। म्यूजिक भी यही बनाएंगे? हाँ। तो मैं क्या आके शूटिंग पे भजिए तलू? रुक के तबला फोड़ती हूँ कमीने। सॉरी सर, मैं थोड़ी दादी डिस्टर्ब कर जाती है। अभी अगला प्रोफेशन जो है अभी पता नहीं, आप हीरोइन बनके बड़े अच्छे लग रहे हैं। हीरोइन बनना ही पड़ेगा। लवली, प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। ब्रिलियंट, एक बार जोरदार तालियां मिस्टर विशाल एंड शेखर के लिए। सर आप दूसरे शोज में जाते हैं या आप किसी रियलिटी शो को जज करते हैं, तो जो आपके फैंस होते हैं, आपके चाहने वाले जो होते हैं, वो आपसे बातें नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे जो आपके फैंस हैं वो आपके सामने बैठे हुए हैं और आपसे बातें करेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, जो भी जानना चाहते हैं आप एक एक करके अपने मन में जो भी है सवाल है आप पूछ सकते हैं। जी सबसे पहले कौन आ रहे हैं? जी मैडम, मेरा नाम मीनल है, मैं मुंबई से ही हूँ। विशाल एंड शेखर जी, मैं आप दोनों की बहुत बड़ी बड़ी फैन हूँ। मुझे सिर्फ आपको इतना पूछना है, मैंने ज्यादातर गाने आपके शाहरुख खान के लिए गाए हैं आप लोगों ने। मुझे सिर्फ आप दोनों को इतना पूछना है, भूल गए, ज्यादातर गाने शाहरुख खान के लिए मेरे ज्यादातर गाने आप दोनों ने शाहरुख खान जी के लिए बनाए हैं। शाहरुख खान के लिए नहीं, शाहरुख खान के लिए।
मुझे सिर्फ आप दोनों से इतना पूछना है, आप दोनों में से किसकी आवाज ज्यादा शाहरुख खान को सूट कर रही है? इसका जवाब यही है कि शाहरुख इतने उम्दा परफॉर्मर हैं कि कोई ऐसा सिंगर नहीं है जिनकी आवाज को वो जस्टिस नहीं करते जब वो स्क्रीन पे होते, चाहे वो आप सोनू निगम जी हो लो देख लो, या अपना सुखविंदर साहब देख लो, मेरी आवाज सुन लो, शेखर की आवाज सुन लो, किसी की भी आवाज सुन लो, जब शाहरुख सर परफॉर्म करते हैं स्क्रीन पे तो वो पूरा जस्टिफाई करते हैं, सिंगर ने जो इमोशन गाने में डाले हों, तो कोई भी सिंगर उनके लिए गा ले, अच्छा सिंगर ही लगता है जब वो परफॉर्म करते हैं। सर आप क्या करते क्या हैं आप वैसे? मैडम आप हाउसवाइफ हैं? आप हाउसवाइफ हूँ। अच्छा तो कितने साल हो गए आपकी शादी को? 12 साल। क्या बात कर रही हैं आप? सर आइए, आपके हस्बैंड है ना, आपकी शादी को भी 12 साल हुए। आप क्या करते हैं भाई साहब? साउंड सिस्टम है, इसीलिए मेरा साउंड चला गया कि माइक में बोलते कहते मेरा साउंड का सिस्टम। अच्छा इसीलिए एक्चुअली मेरा साउंड चला गया एक्चुअली आज। तो आपका साउंड सिस्टम का बिजनेस है, कहाँ पे माइक दे दीजिए उनको भाई साहब को, कभी तो बोलने दो, आज बेचारे आए। हाँ जी यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। वैसे आपका साउंड का बिजनेस, लेकिन घर पे साउंड आपकी भी निकलती, म्यूट हो जाता है सर। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया आपने कि हस्बैंड की साउंड निकले घर पे, कोई ऐसा भी आया? म्यूट पे ही रखा है, म्यूट पे। ऐसा आज तक नहीं बना है, ना बन पाएगा सर। हाँ टेक्निकल बंदे बोल रहे हैं। पर मेरे को एक बात बताइए, आपकी शादी को 12 साल हुए लगते नहीं है, ऐसे क्यों? वो तो है? अभी वो कैसे बताओ? ये वो ज्यादा लग रहे हैं मतलब कि कम लग रहे हैं? मेरे को लग रहा है 1.5-2 साल, 2.5 साल। ये धीमी, थैंक यू। ये धीमी आज नहीं, आपको देख के नहीं, इनको देख के लग रहा है, आपको तो 12 लग रहा है। वेरी बैड कॉम्प्लीमेंट सर, वेरी बैड कॉम्प्लीमेंट। ओके नहीं मैं ऐसे मजाक कर रहा था, आपकी जोड़ी बड़ी खूबसूरत है, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। थैंक यू सर। जी और कोई हमारे दोस्त? जी हाय कपिल सर। हाय। हाय विशाल सर। हेलो। एंड हाय शेखर सर। मेरा सवाल विशाल सर से है। जी सर। जी। कि सर आप बहुत बड़े म्यूजिक बैक बैंड बैक के रॉक स्टार हैं। okay. तो मैं भी चाहता हूँ सर कि सर आप आपकी तरह एक रॉक स्टार बनूं। है थिरक पॉप स्टार। लेकिन क्या आप मुझे सिखाएंगे कि आप गिटार किस तरह, आप गिटार अपने हाथों से किस तरह पकड़ते हैं और किस तरह बजाते हैं? चढ़ जा स्टेज पे गुरु। अरे क्या कर रहे हो? क्या हाल है मेरे भाई? सीनियर भूले भटके से बोल दिया ऐसे तो। सीनियर। हाँ जी। हाँ सर। तो पहले तो आप ऐसे थोड़ा फैल के खड़े हो जाओ। फैल के? ज्यादा भी मत फैल जाना। हाँ थोड़ा ज्यादा हो गया लेकिन चलेगा 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 सर। अब गिटार ऐसे बजाया जाता है, ऐसे। वेरी गुड। हाँ जैसे खारिश होती ना इधर। ऐसे करो। बन गए रॉकस्टार। बन गए। हमारे यहाँ सर, मैं झारखंड से हूँ। अच्छा अच्छा। हमारे झारखंड में रॉक बैंड बहुत होते होंगे? नहीं सर, हमारे यहाँ अलग टाइप से होते हैं। अच्छा कैसे? दिखाओ दिखाओ। दिखाऊं सर? प्लीज। हाँ हाँ कृपया। रेडियो जाओ, रेडियो बजाओ, रेडियो बजाओ भाई। आपको साष्टांग प्रणाम करता हूं। आपको इनको ऑमलेट की जरूरत नहीं है, रॉकेट रॉकेट परफॉर्मेंस यार, कमाल कर दिया। थैंक यू सर। आप क्या करते हैं मुंबई में, क्या करते हैं आप वैसे झारखंड से? और कुछ करने की जरूरत है? मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, एक्टर बनने का शौक है मेरा। एक्टिंग भी कर लेते हैं आप? हाँ थोड़ा मोड़ा। ऐसा कोई डायलॉग बोल के बताइए सर। मेरा फेवरेट एक्टर शाहरुख खान है। जी तो जी। उनके तो उनकी उनकी तो काफी सारी फिल्मों में म्यूजिक दिया। पहले बेल्ट ठीक कर ले। इधर ही कर दो, इधर एक्टिंग नहीं आती, उधर आती है। जी तीन डायलॉग बोलना चाहूंगा सर। तीन डायलॉग जी। अच्छा पहला खराब हो गया तो इनके दूसरा। सेफ्टी सेफ। डॉन को पकड़ना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। एक्टिंग करना भी मुश्किल नहीं, नामुमकिन। नामुमकिन। क्या बोला आपने? नामुमकिन। नामुमकिन। नामुमकिन ना? नामुमकिन। नाम नहीं होता है ना सर, नामुमकिन होता है ना। नाम तूने मुमकिन को नामुमकिन बना दिया। मुमकिन। हाँ सर, इस पे थोड़ा काम कर लेंगे। लफ्ज़ पे काम कर लेंगे। एक डायलॉग और। मुमकिन पे बात कर लेना। खड़का दे। तुम किसी और के नहीं हो सकते, तुम किसी और के नहीं हो सकते। तू क्या करे सौ बना? अबे करंट लगा। तू कौन किसी से प्यार नहीं करेगा? हर मोहब्बत ही मिलेगी चाहती। लोग मोहब्बत से नफरत करेंगे, नफरत। नहीं, तुम किसी और की नहीं सोचे।
माइक नहीं काम कर रहा, उन्होंने ठीक दिए थे एक्सप्रेशन शायद। क्या आज़ीन? One two one two one two one two check. अरमान करनान एक कितने का शेयर पेशा आपके नजर? जा शीशी भरे गुलाब की ठोको। शीशी भरे गुलाब की अभी ठोकते हैं तो तोड़ जाएगी। शीशी कैंचू से भरी होगी तो ठोक देंगे। ये गुलाब क्या जिया? दोस्तों शीशी भरे गुलाब की नई नई ली है। अच्छा किसी पर गुलाब की नई नई ली है। शावा शावा पत्थर से टूटेगी नहीं क्योंकि इस बार प्लास्टिक की ली है। अजन मेहरबान करदान साबान करदान म्यूजिक जगत की मान शान विशाल शेखर गांव पेश करेगी जेलस चोले एक पान। एक सेकंड भाई साहब, पान क्यों दे रहे हैं आप? पान तो ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका तो जो सुपारी है वो इंपॉर्टेंट है। मत खाइएगा सर, ये उनका पता नहीं कब के पुराने पान रखे हो। प्रोग्राम बुक हो गया। और सच कहो तो प्लीज मुझे माफी चाहूंगा, मुझे अभी तक कंफ्यूजन जो है बना हुआ है कि कौन विशाल है कौन शेखर, मेरे को अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, गाल के राइट साइड पे एक मार्क बनाता हूँ, जिसके मार्क बनाऊंगा तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। राइट, गाल पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, टांट वाला ही देख दूं। ये मैंने मार्क बना दिया, जा देखिए। अबे ये तो तुमने अपने गाल पे बना दिया ना, समझे नहीं आप? मेरे निशान के इस तरफ जो खड़े हुए हैं वो विशाल है और जो इस तरफ खड़े हुए वो शेखर हो गए। क्या बात है, वाह सर। जब दोनों एक तरफ खड़े हुए हैं तो एक गुल्लक जैसा मुंह तोड़ूंगा इसका, मैं बता रहा हूँ, लेके जाओ यहाँ से बाहर। ओ मिस्टर, यहाँ पर आप इनका मुंह नहीं तोड़ सकते। क्यों? पहले आप इनके शो का टिकट खरीदिए, वहां पर आइए, फिर वहां पे जो तोड़ना है तोड़िए। ऑन स्टेज में जो मजा है वो ऐसे बैक स्टेज में मजा नहीं आता, वहां आके तोड़िए। लेकिन मुंह तो मेरा टूट रहा है ना। हाँ इसमें मेरी प्रेज हुई कि मेरी टांग खींच रही है, तुमको समझ नहीं आ रहा? ये तो प्रेज हुई ना सर। ओके, शो के टिकट की बात आई है तो शो में हम लोग जो है नॉर्मली 3K ले लेते हैं, 3000 वगैरह। अच्छा। के आजकल के चलता है। थ्री के हमारे पेमेंट रहती है तो बड़ा काम होता है। आप लोग कितने 100 ले लेंगे उसमें से बताइए। बेहतर दिमाग खराब हो गया, लाखों में पेमेंट लेते हैं वो। हमारे जो 3000 होते हैं वो गिनने में हमें 2 घंटे लगते हैं। रोज शो कीजिए, रोज प्रोग्राम मिलेगा और बर्थडे पार्टी वगैरह में केक फ्री रहता है। आप कोल्ड ड्रिंक कितनी मर्जी पी लो कोई नहीं पूछता, ऑरेंज पी लो मुंह लाल हो जाएगा फिर भी कोई नहीं कहता क्यों पिया, इतना आराम रहता है। टॉप क्लास थिंग, बड़े पार्टी शादी वगैरह में तो बहुत ज्यादा खुला बूफे वगैरह रहता, कोई नहीं। अब थोड़ा थोड़ा डब्बों में डाल के नंदन, तो ये बहुत ज्यादा सही प्रोग्राम है। आप लोग अगर भ्रम माने तो फिर आपकी बुकिंग पक्की समझे। अब हम पान ले लिया तो हो गया ना, हो गया हो गया। लेकिन लेकिन ऐसे बुकिंग नहीं, आपको ना थोड़ी सी रेसल करनी पड़ेगी। जो क्लाइंट है ना बड़ा वो है, रेसल जो पार्टी का थोड़ा सा नखरे जा रहा है, क्योंकि पार्टी चाहती है कि उनके जो परफॉर्मर्स हो वो जो मतलब विशाल शेखर है जो पार्टी में वो गरबा पे करे। ओके, इट्स अ गुजराती पार्टी, तो गुजराती पार्टी के लिए आपको जितने आपके गाने हैं उसको गरबा वगैरह में गा के करना पड़ेगा। डांडिया मैं भी लेकर आई हूँ सर। गरबा का पार्टी होता डांडिया, उसमें क्या? हाँ लीजिए, मिक्स सही कर, सही मिक्स कर। एक उल्टा दे रही है, एक उल्टा दे रही है। ये मोटे के साथ मोटा, पतले के साथ पतला होता है सर। तो ये दे रही है जोड़ी, तेरे को कितना बार जोड़ी ये होता है। तो 5-स्टार ऑर्केस्ट्रा को 1.5-स्टार बना के रहेगी। सर हमारी जोड़ी भी ऑड तो है ना सर? ऑड तो है, मानना पड़ेगा। डांडिया जी, अच्छा हमें डांडिया करना है, गाना भी है करना भी है और है वो रखना अब। अरे उनको भी आप
माइक कौन से हाथ में पकड़ेंगे फिर? अब डांडिया पकड़ा दियो हाथ में। माइक कौन से हाथ में पकड़ेंगे? कॉमन सेंस। व्हाट इज माय नेम? सर कॉमन सेंस भी चीज होती है। हाँ जी, आप होजा है गाना? आपके लिए डांस करेंगे और साथ में डांडिया। चड्डा 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 क्या हो जाइए सर। शुरू। इस गीत से खुश होकर सिद्धू साहब दे रहे हैं 100 रुपए। जोरदार तालियां। गाड़ी चलने की बात लगे। वाह बड़ा परफॉर्मेंस। सबसे बात ये कि ये मुझे नकली कर दिया। मेरा डांडिया तोड़ दिया। मेरा उल्लाला पूरा हुआ नहीं, बीच वाले लावे टूट गए। पकड़ो उसको। डांडिया भी तूने कच्चा बनाया। डांडिया भी कच्चा। अब तो लड़ना पड़ेगा। बात बताओ भाई साहब। हाँ जी। ये तो चलो डांस करती है, आप शो में क्या करते हैं? आपको पता नहीं है सर, वो माइम दिखाइए ना अपना, क्या कमाल का माइम करते हैं। सर प्लीज सानू पे लेकर सर दिखाइए ना सर। सर इट्स एन ऑर्डर। सर माइम का आइटम आप लोगों की नजर, 5 स्टार पेशकश विक्की चड्डा की तरफ से। दोस्तों माइम सोचने के बारे में होता है। राजा लाइट एंड साउंड सोल्यूशन गुजारिश, थोड़ी सी लाइटें ऑन कर दें। यह माइंड का प्रोग्राम, म्यूजिक साथ रहेगा लेकिन एक भी शब्द मेरी जुबान से नहीं आएगा। आप लोगों को लगा कि बहुत कुछ हो रहा है। बहुत ही बेहतरीन आइटम। हाँ, खास जैलस जुलू की फरमाइश पर पेश की जा रही है। चड्डा सर, विशाल शेखर का नाम। थैंक यू। चड्डा सर आप अपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इधर मान लीजिए एक ट्रक है और इधर मैं हूं, रस्सा कशी चल रही ट्रक और उधर उधर मान लो ना, उधर ट्रक है भी। कोई नहीं, दिल्ली में मान लो। ओके, इधर एक ट्रक है, मेरा हाथ राइट पे बैठा हुआ वरना प्रॉब्लम नहीं थी। तू इधर आ जा। दोस्तों मेरे आप में कुछ भी नहीं है, आपको लगेगा रस्सा है। अबे भैंस खींच रहा है। बहुत ही शानदार आइटम है, ऑर्केस्ट्रा बहुत चलता है दोस्तों। यहाँ किसी वजह से नहीं चल रहा है लेकिन ऑर्केस्ट्रा में बहुत दीवाने हैं इसके। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप कॉमेडी नाइट्स में आए। आई होप आपको मजा आया होगा। बहुत ज्यादा, बहुत मजा आया। आपने भी एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया यार, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे घर पे सब कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देखते हैं, तो विशाल और शेखर की तरफ से बहुत सारी दुआ, बहुत सारा प्यार टू द एंटायर टीम ऑफ कॉमेडी नाइट्स। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू हाजी, हाजी आनंद सर। और मैं जाते जाते आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि ये त्योहारों का सीजन जो है वो शुरू हो चुका है, हम इस साल कुछ ऐसा करें कि कुछ लोगों के चेहरों पे मुस्कान ला सके। जो भी आप उनके लिए कर सकते हैं वो जरूर करें, और ऐसे ही देखते रहें कॉमेडी नाइट्स विद कपिल।